తెలంగాణలో ప్రధాని మోదీ టూర్ పొలిటికల్ వార్గా మారింది. కేంద్ర ప్రాజెక్టులకు తెలంగాణ సహకారం ఇవ్వటం లేదన్న ప్రధాని అభివృద్ధికి ఆటంకం ఏర్పడుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణలో కుటుంబ పాలన అవినీతి రాజమేలుతోందంటూ ఆరోపించారు. దేశాన్ని అవినీతి నుంచి విముక్తి చేయాలా వద్దా, అవినీతిపై పోరాటం చేయాలా వద్దా, అవినీతి పరుల విషయంలో చట్టం తన పని తాను చేసుకోవాలా వద్దా అని ప్రధాని ప్రశ్నించారు. केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है. केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है. इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है. मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा ना आने दे. जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है. ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है. ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं. किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं. इससे इनके तीन मतलब सत्य थे. एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे. दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे. और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए. और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं. बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं. कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं. कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया.